أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اللہ کا بے انتہا شکر اس کا احسان کہ آج 17 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اب بس صرف 13 پارے رہ گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مکمل قرآن مجید سننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. حضرات, آج آپ کی خدمت میں سورۃ النحل سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سورۃ النحل, اس سورت میں 128 آیتیں ہیں اور یہ سورت 16 رکوع پر مشتمل ہے. مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورت کا نام سورۃ النحل, نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہے. شہد کی مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک ننی سی چھوٹی سی پیاری سی مخلوق ہے, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا شاہکار ہے, جو دور دراز پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہے اور نہایت ہی مہذب اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے چھتے میں رکھ دیتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا ہے. اس مکھی کا بھی ذکر اس سورت میں ہے, اس کی محنت کا بھی ذکر, اس کی قد و کاوشوں کا بھی ذکر اللہ نے اس سورت میں رکھا ہے. اس سورت کے بے شمار خصوصیتیں ہیں اور اس کی امتیازات ہیں, جس میں سے اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں سجدہ تلاوت رکھا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے 114 سورتوں میں چند ایسی سورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے نام سے, جانوروں کے نام سے رکھا, اور وہ کل 8 سورتیں ہیں. جیسے سورہ بقرہ ہے, سورہ انعام ہے, یہ سورت ہے سورۃ النحل ہے, سورۃ النمل ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور سورت آتی ہے, سورہ عنکبوت ہے, سورۃ العادیات ہے, سورۃ الفیل ہے. یہ ایسی سورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر رکھا یا چھوٹی چھوٹی مخلوق کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سورتوں کو یاد کیا ہے. دوستو, اس سورت کے اندر بے شمار ہمارے لیے علمی پہلو ہیں. سب سے پہلی چیز, اس سبق اس سورت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں یہ سورۃ النحل بڑی پیاری سورت ہے, بڑی پیاری سورت. میں تو کہوں گا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت سورۃ النحل کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں,
इंशाल्लाह फिर देखिए आपका ईमान अल्लाह के ज़ात पर कितना मजबूत होगा। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अपना तआरुफ पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत इस सूरत में पेश हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी इस सूरत में पेश हुई है। मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तआरुफ फरमाया है। तो हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा इस सही सूरतुल नहल को अच्छी तरह से तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कौन सी सूरत? सूरतुल नहल, जिसके माने क्या है? शहद के मक्खी के। माशाअल्लाह, शहद में अल्लाह ने क्या रखा है? क्या रखा है? शिफा रखा है। मैं इंशाअल्लाह ये कहूँगा कि अगर इस सूरत को आप पढ़ोगे तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज आपकी रूह को शिफा मिलेगी, आपकी रूह मजबूत हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, सूरतुल नहल से हमें एक बेहतरीन सबक मिलता है। हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। वो आयत इसी सूरत में, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे नेमतों को अगर तुम काउंटिंग करने के लिए बैठ जाओ, शुमार करने के लिए बैठ जाओ, ला तुहसूहा, क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों को अगर हम काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते, तो फिर हम उसका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? अल्लाह, आप खुद अपने जिस्म पर गौर कीजिए, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, आपके जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नियमतें रखी, कितनी नियमतें, आपके अपने जिस्म पर गौर कीजिए। एक चीज़ पढ़ने में आई थी, एक अल्लाह वाले का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बिल आई 10 लाख रुपये की। देख करके जनाब रोने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि रोते क्यों, अगर आप कहें तो 2 लाख रुपये कम कर देते हैं, या नहीं आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो और भी कम कर देते हैं। उस अल्लाह के बंदे ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी बिल बनाई है मैं दे दूंगा, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। थोड़ी देर इस दिल पर आपने जो काम किया है उसके बिल आपने 10 लाख बनाई है। ये दिल मेरे पैदा होने से लेकर के अब तक धड़क रहा है, अल्लाह की जाने से कोई बिल नहीं आई। रोने लगा ये बंदा, अल्लाह तबारक व तआला इसका कोई बिल नहीं भेजा है। हाँ, इसका एक बिल है, कुरान मजीद में उसका भी जिक्र है, उस बिल को हम अदा करें। कोई बता सकता है बिल क्या? बोलिए मन्नान भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब। मा खलक्तुल जिन वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने इंस जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यही मेरा बिल है, मेरी इबादत करो मेरा बिल अदा हो जाएगा। मेरे नेमतों का हक अदा करना चाहते हो तो सजदे करो, अपनी ज़िंदगी को मेरे हवाले करो, मेरे ताबे करो, नेमतों का हक मैं चाहूँगा अदा होगा। वैसे तो बंदा नेमतों का हक तो अदा नहीं कर सकता, अल्लाह को खुश कर सकता है। अल्लाह को खुश कर दो, बस ख़त्म होगी बात। याद रखें, जिंदगी भर की हमारी इबादतें अल्लाह की एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकती। एक बंदे से अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा मेरे रहम व करम की इवज़। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो ज़िंदगी तेरे ताबे कर दिया था, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नाफरमानी करने की कोशिश नहीं की, नमाज़ों का पाबंद रहा, हलाल तिजारत में करता रहा, हराम से बचता रहा, हर भला काम मैंने किया, हर बुरे काम से मैं बचता रहा, अब इसमें तेरे रहम करम की क्या है? मैं अपने उन इबादात की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ।
वाह ऐसा है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के सारे नेकियों को एक पल्ले में रख देगा। यकीनन वो बंदा बड़ा नेक, बड़ा सच्चा, बड़ा आबिद, बड़ा जाहिद, मुत्तकी, परहेज़गार, इस पर कोई शक नहीं, लौटाओ। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत दाखिल होने का हुक्म दिया है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी की सारी इबादात को एक पल्ले में रखेगा और उसकी एक आँख को निकाल करके दूसरे पल्ले में रखेगा तो आँख वाला पलड़ा क्या होगा, झुक जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह उस बंदे से कहेगा कि मेरे बंदे ज़िंदगी भर की तेरी सारी इबादतें मेरी एक नियामत का हक अदा न कर सकी, कितनी नियामतें तूने मेरे इस्तेमाल किया। बहरहाल वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वो आयत इसी सूरत, अल्लाह ने कहा कि जितनी नियामत मैंने तुझे इतनी नियामतें दी हैं उन नियामतों को तो शुमार नहीं कर सकते। قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي, روئے زمین پر موجود سارے سمندروں کو تم سیاہی بنا لو, انک بنا لو, روئے زمین پر جتنے بھی یہ درخت موجود ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر کے قلم بنا لو اور پھر اس سیاہی میں, اس دوات میں, اس انک میں ڈبوتے جاؤ اور میرے نعمتوں کو کاؤنٹ کرتے جاؤ, سارے سمندر جس کو تم نے سیاہی بنایا, انک بنایا, ختم ہو جائے, سارے وہ درخت جس کو تم نے کاٹ کر کے قلم بنائے سارے گھس کر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے نعمتیں تم نہیں لکھ سکو گے۔ اللہ سے بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور تیری توفیق سے تو ہمیں جنت میں داخل فرما, اب اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ النحل بڑی پیاری سورۃ, اللہ بیان فرماتا ہے ہم جو بھی عمل کریں گے وہی قیامت کو دیکھیں گے, سو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں, جو کاٹو گے جو بوو گے وہی کاٹو۔ للذین احسن الحسن وزیادہ, اللہ فرماتا ہے ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں زیادہ بہتر ہے, اور یقیناً ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہترین مقام ہے, اچھا گھر۔ تو کیا بات معلوم ہوتی ہے, اگر ہم اچھا عمل کریں گے اس دنیا میں تو یقیناً اس کا انجام بھی بھلا ہوگا, بہتر ہوگا۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بات سمجھاتا ہے, نصیحتاً فرماتا ہے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, لوگوں زمین میں تم چلو پھرو, دیکھو وہ قومیں اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا, جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کا انکار کیا, جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کا مذاق کیا, کھلواڑ کیا, دیکھو ہم نے ان کی زندگی کو عبرت کا نشاں بنا دیا۔ جاؤ دیکھو فسیروا فی الارض, جاؤ چلو پھرو دیکھو, کیوں بیٹھتے ہو کہ جی کنڈلی مار کے, فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, دیکھو جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ بہت سے ایسے مقامات دور نہیں, یہیں پر چیتاپور گلبرگہ شہر کا, گلبرگہ ضلعے کا ایک تعلقہ ہے, اس کے بالکل بازو میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, غالباً اس گاؤں کا نام دگ گئی ایسا کچھ نام, بالکل چیتاپور سے لگا ہوا ایک کلو میٹر دو کلو میٹر کے بعد وہ شہر واقع ہے, ہمیں دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ دگ گئی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کم از کم کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر کے احاطے پر پھیلا ہوا ہے, اور وہ شہر آج سے 1000 سال یا اس سے زیادہ ہو گیا, اس شہر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے, سارا شہر تہس نہس ہو گیا۔ آج بھی وہاں پر یہ بڑی بڑی دیواریں, اونچی اونچی دیواریں موجود ہیں, مکانات کے کچھ نشانات باقی ہیں, بڑے بڑے محلوں کے نشانات باقی ہیں, وہاں پر مناظر بھی ہیں, وہاں پر مساجد کی بھی دیواریں, عبرت کا نشان اللہ بنا دی۔ فسیروا فی الارض, بندہ اگر روئے زمین میں چلتا ہے پھرتا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا, اس دنیا کا وہ سفر کرتا ہے, تو جو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدمعاش اور نافرمان قوموں کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جب تم ایسی بستی سے گزرو تو جلدی گزرو, دیر مت کرو, وہاں پر پڑاؤ مت ڈالو, کیونکہ اللہ نے
उस कौम पर और उस मकाम पर अजाब नाज़िल फरमाया है। अब अल्लाह जहाँ जिस कौम पर अजाब नाज़िल फरमाया है वहाँ पर हम देर से न गुजरे, धीरे न गुजरे, बल्कि जल्दी जल्दी हम वहाँ से गुजर जाए। ये नबी की तालीम है, अल्लाह की तालीम। हजरात सूरतुन नहल अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान फरमाता है, हर बंदे को चाहिए अगर उसे किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो उसको चाहिए कि उन लोगों से सवाल करें जिसके पास उसके बारे में इल्म है। फसलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, लोगों तुम अहले इल्म से, जिक्र वालों से, इल्म वालों से, अल्लाह वालों से उन चीज़ों के बारे में सवाल करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। पूछने से, मालूमात हासिल करने से आदमी छोटा नहीं होता बल्कि उसके इल्म में इजाफा होता है। फसलु अहले ज़िक्र, अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से सवाल किया करो और इसके आप आदि बनो, लेकिन बेफजूल और लायानी सवालात से भी आपको बचना चाहिए। वो सवालात जिसका ताल्लुक इबादात से हो, वो सवालात जिसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, वो सवालात जिसका ताल्लुक आखिरत से हो, जहन्नम और जन्नत से मुताल्लिक हो, वो सवाल जिसको लेकर के आप परेशान हैं आया कि ये चीज़ हलाल है या हराम है, सच है या झूठ है, इसके बारे में आपको सवाल करना चाहिए। ला यानी बेकार के सवालों से आपको बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितने भी कसरत सवाल, जहाँ कुरान कहता है सवाल किया करो, वहीं पर नबी फरमाते हैं सवाल न किया करो, इस्तनाद करो, क्योंकि पहले वाली कौम इसी वजह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो दोनों के हाथों में तजाद हो रहा है। क्या बात, अल्लाह ने उस सवाल को करने का हुक्म दिया है जो सवाल ज़रूरी है, जो सवाल लाजमी है, जिस सवाल पर तुम्हारे ईमान का, अकीदे का दारोमदार, और अल्लाह के रसूल ने उन सवालों से इज्तनाब करने का हुक्म दिया है जिसका कोई माना नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका ना ईमानियात से ताल्लुक है, ना अकायद से ताल्लुक है, ना आखिरत से ताल्लुक है, ना कब्र से ताल्लुक है उसका, ना हशर से उसका कोई ताल्लुक, ऐसे सवाल से बचना चाहिए। भाइयों सूरतुन नहल में अल्लाह ने एक अच्छी बात बयान फरमाई, बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। आदमी आज कहता है ना मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अरे बंदे तू जरा गौर तो कर, ये तुझे मिली कहाँ से। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह कहता है तुझे जो चीज़ें मिली हुई है जिस पर तू इतरा रहा है ये मिन नियामत, वमा बिकुम मिन नियामतिन फमिन अल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से, तेरे पास जो कुछ है वो सब रब का दिया हुआ, तेरा जिस्म रब का दिया हुआ, तेरी जान रब की दी हुई, तेरी आँखें रब की दी हुई, तेरी आवाज़ रब की दी हुई, तेरी सलाहियतें रब की दी हुई, तेरी औलाद रब की दी हुई, तेरी बीवी रब की दी हुई, तेरा घर मकान दुकान रब का दिया हुआ, तेरे पास तेरा क्या है, तेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है, तेरे पास तेरा कुछ भी नहीं। इसीलिए आप यही कहा करें जो कुछ मेरे पास है ये रब का दिया हुआ है, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इस पर मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ। इस पर अगर आप इतराओगे या इस पर गुरूर तकब्बुर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमतों से कभी भी महरूम कर सकता है। अल्लाह हमारे पास मौजूदा नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने की तौफीक से फरमाए, आमीन। हजरात अगर अल्लाह ने किसी को आपसे ज़्यादा नवाज रखा है तो आप हसद न करें बल्कि अल्लाह की दी हुई तकदीर पर आप राजी हों, अल्लाह की अता करदा नेमतों पर आप राजी हों। भाइयों ये दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को ज़्यादा देता है, किसी को उससे कुछ कम देता है, किसी को उससे कम देता है। अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर मालूम है किसको कितना देना है, किसको कितना देना है अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। एक गरीब आदमी है जो ज़िंदगी भर माहाना 10 और 15 हज़ार रुपये में उसका गुजरा हो रहा हो, अचानक अगर मंत्री उसके पास 15 लाख रुपये आने लगे, अब वो पागल होगा कि नहीं होगा, दीवाना होगा कि नहीं होगा, उसे मालूम नहीं होगा कि भाई करूँ क्या करूँ मैं, 15 हज़ार रुपये तो मेरे बहुत थे, अभी 1.5 लाख के 15 लाख जो मंत्री मुझे आ रहे हैं क्या करूँ कैसे खर्च करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जिसको मंत्री 15 लाख रुपये आ रहे थे अचानक उसके 15 हज़ार शुरू हो जाए तो वो भी पागल हो जाए। तो ये तकसीम है अल्लाह तबारक व तआला,
अल्लाह को मालूम है कौन कितना संभाल सकता है, किसको कितना देना है, किसको कितना देने पर अच्छा रहेगा, किसको कितना देने पर पागल होगा। तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर, अल्लाह की अता करदा नेमतों पर, अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसकी उस तकदीर पर राजी हो और उन लोगों से जले ना, उन लोगों से हसद ना करे जिनके पास बहुत कुछ है। ये अल्लाह की तकसीम। मिसाल के तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिए, इस महफिल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सबको सब के सब इंजीनियर हो जाए, सब के सब करोड़पति हो जाए, सब के सब पैसे वाले हो जाए, थोड़ी देर के मान ले, अब कौन किसका काम करेगा बोलो? करता नहीं करता काम। एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उसका काम क्या है? डिजाइन बनाता हूँ घर का। फिर उसके अलावा गौंडी है, दीवार बनता है, पेंटर है, पेंट करता है, इलेक्ट्रिशियन है, ये काम करता है, फ्लोरिंग करने वाला फ्लोरिंग का काम करता है। अब सबके पास नोटों की गठरियाँ आ जाए, कौन काम करेगा? सब लोग बैठेंगे टांग पे टांग डाल कर, चल बे चल मेरे पास पैसे, तू आ मेरे पास काम कर, ये मामला। तो अल्लाह की ये दुनिया बनाने में वो मुदब्बिर है, वो मुदब्बिर है, वो तदबीरों को करने वाला है। निज़ाम कैसे चलाना उसको मालूम है, कैसा निज़ाम चलेगा, निज़ाम कैसे बिगड़ा उसको मालूम। अल्लाह तबारक व तआला किसी को किसी पर फौकियत दिया, वो जानना बाहुम लिबाद सुखरिया, अल्लाह ने किसी को किसी पर फौकियत दिया ताकि सब एक दूसरे के काम आए, सब एक दूसरे से मिल करके बाहम ताबुन से ये निज़ाम ज़िंदगी चले। वरना निज़ाम ज़िंदगी दिरहम बरहम हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की दीवी तकदीर पर, दीवी ज़िंदगी पर हमें राजी होना चाहिए। सूरतुल नहल, अल्लाह तबारक व तआला इसमें एक बात बयान फरमाता है, वो ये है कि दाई की जिम्मे ये है कि वो दावत का काम करे, हिदायत देना उसका जिम्मा नहीं है, बल्कि इसका काम सिर्फ इबलाग है, हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह फरमाता है फ़इन तवल्लौ, फ़इन तवल्लौ, अल्लाह नबी से फरमा रहा है ऐ हमारे प्यारे नबी, अगर वो आपकी दावत से फिर जाए, इनकार कर दे, ना माने, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, बस आपने बलाग का इबलाग का काम कर दिया, आपने वाज़ह दावत को पहुंचा दिया है, आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई है, अब आप चिंता ना करें, अब आपने आप को हिलाकत में ना डालें, रात दिन उनके पीछे परेशान होकर के अपने आप को हिलाक ना करें, किसको नहीं देना। ये हिदायत विरासतन में तकसीम नहीं होती दोस्तों। हाँ, आप करोड़पति के करोड़पति बाप के औलाद हैं, विरासत आपको मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। बाप का पैसा तकसीम होगा तुम्हारे दरमियान, क्योंकि तुम्हारा बाप मालदार है, करोड़पति अरबपति है। अगर तुम्हारा बाप आलम दीन है, तुम्हारा बाप आबिद है, तुम्हारा बाप जाहिद है, तुम्हारा बाप मुत्तकी है, तुम्हारा बाप रातों में उठ करके अल्लाह के हुजूर रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस बाप के मरने के बाद क्या उसका वो जुहद, उसका वो तकवा, उसका वो खौफ खुदा क्या विरासतन उसकी औलाद में तकसीम होगा? बोलो, नहीं तकसीम होगा। हाँ, इससे आप अंदाज़ा लगाओ दौलत बड़ी चीज़ है या हिदायत बड़ी चीज़ है। हाँ माशाल्लाह, अगर दौलत बड़ी चीज़ होती फिर तो वो विरासतन तकसीम ना होती, दौलत की कोई हैसियत ही नहीं है। नाफरमान था, बदमाश था कारून, दुश्मने रब था ये फिरौन, अना रब्बुकुमुल आला उसने कहा था। कारून जिसके बारे में कुरान कहता है कि वातैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहा लतनू बिल उस्बति वल कुव्वा, एक मजबूत नौजवान कमेटी, नौजवान जमात, मुफस्सिरीन किराम ने कहा करीब 60 नौजवान, मजबूत नौजवान सिर्फ उसके खजाने की चाबियाँ उठा सकते थे, खजाने की चाबियाँ उठाने के लिए 60 नौजवान। अब अंदाज़ा लगाए कि इसके पास खजाने की कितना खजाना हो। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह ने फ़खसफ ना भी व बिदार ही दर्द, अल्लाह उसको और उसके माल के साथ ज़मीन में धंसा दिया, धसाया कि नहीं धसाया?
तो यहां अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है कि ये दुनियावी दौलत की क्या हैसियत है, क्या औकात। लेकिन वही बात अगर हिदायत की है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह उसका मुहाफिज, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, उसकी भी हिफाजत करता है और उसके माल की भी हिफाजत करता है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे खिजर के साथ, खिजर ने गिरती दीवार को दुरुस्त करना शुरू किया तो मूसा ने कहा इस गिरती दीवार को तुम क्यों दुरुस्त कर रहे हो, इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना खाना खिलाया, ना पानी पिलाया, ना हमारी कोई इज्जत व तकरीम की, आप क्यों इस गिरते हुए घर को मरम्मत कर रहे हो, इन लोगों ने हमारे साथ कोई भला काम नहीं किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा से क्या कहा था, वकान अबूहुमा सालिहा, नहीं 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 ऐसी बात नहीं बाबा, इनके माँ बाप बहुत नेक थे, इनके माँ बाप बड़े अच्छे थे। तो माँ बाप अच्छे थे, उनका उनकी कमाई अच्छी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तहफ्फुज़ बख्शा और उनकी मेहनत से, उनकी कद्दो काविशों से उनकी औलाद भी नेक। तो यहाँ एक दो सबक मिलते हैं, एक आदमी अगर नेक रहता है और नेक रहते हुए अपनी औलाद पर मेहनत करता है, उसको नेक बनाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसके बाद उसके माल की भी हिफाजत करता है और उसके औलाद की भी हिफाजत करता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ हिदायत बड़ी चीज़ है, दौलत से कहीं ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है फ़ैन तवल्लो फ़ैन नमा अलैकल बलागुल मुबीन, लोग फिर जाएँ आपकी दावत से तो आपके ज़िम्मे नहीं है उनको हिदायत देना, आपका काम पैगाम पहुँचा देना है, फरीजे को अंजाम देना है, आप अपने फरीजे को अंजाम दे चुके हैं, परेशान हो। हजरात, इस सूरत में एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया है अल्लाह, अल्लाह की मिसालें बड़ी प्यारी होती हैं। अल्लाह जो मिसाल देता है ना, जाहिल से जाहिल, कम इल्म, एक मोटा दिमाग रखने वाला बुद्धू किस्म का आदमी भी अल्लाह की मिसालों को समझता है। अल्लाह का अंदाज समझाने का मुख्तलिफ है, अहले इल्म को अल्लाह तबारक व तआला अलग अंदाज समझाता है और कम इल्म रखने वालों को अल्लाह अलग अंदाज समझाता है। इल्म वालों को अल्लाह कहता है गौर करो इन आसमानों पर, गौर करो इन ज़मीन पर, गौर करो इन चांद और सितारों पर, गौर करो नबातात पर, जमादात पर, ये अहले इल्म से अल्लाह कह रहा है, अहले इल्म इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो लोग कम अक्ल रखते हैं अल्लाह उनको मिसाल देता है, मिसालें देता है ताकि बात फौरन उनके दिमाग में आ जाए। जैसे आपने कुरान मजीद की एक आयत सुनी पिछले तरावी में, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है लोगों तुम मुझे छोड़ करके दूसरों को पुकारते हो, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। समझाने के लिए अल्लाह ने क्या कहा, वो इसी तरह से मदद नहीं कर सकते, इस तरह से उनका मदद करना, तुम्हारी मदद करना इस तरह से नामुमकिन है जैसे अगर कोई कुएं के पास खड़ा हो और मुंह खोले आ ताकि पानी आकर के उसके मुंह में गिर जाए। कुरान कहता है माहौल बालगी, उसके मुंह में पानी नहीं पहुंचेगा। बात कितनी मोटी है, कितनी प्यारी है, कैसे समझा रहा अल्लाह तबारक व तआला। जिस तरह से कुएं के पास खड़े होकर के एक प्यासा मुंह खोलता है और उसकी ये कोशिश है, उसकी ये सोच है पानी आएगा, मुंह में दाखिल होगा, प्यास बुझ जाएगी, ये मुमकिन है? जब तुम इसको नामुमकिन समझते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये भी नामुमकिन है कि गैर तुम्हारी मदद कर सके, गैर तुम्हें औलाद दे सके। मिसाल अल्लाह दिया। यहाँ भी सूरतुन नहल में अल्लाह एक मिसाल देता है, लोगों तुम उस औरत की तरह ना हो जाना जो अपना सूत मजबूत करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डालती है। यानी गांधी जी क्या चलाता है, गांधी जी साहब क्या चलाते हैं, चरखा चलाते हैं, उससे धागा बनता है, फिर छोटी छोटी रस्सियाँ बनती हैं और वो भी आप जानते ना खटाक खटाक रेट से, लेफ्ट में भिवंडी, बम्बई, मालेगांव वगैरह में कपड़ा बनता है, कपड़ा भुना जाता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दिया, एक औरत एक बूढ़ी सूत बनाती है और जो धागा तैयार करती है और फिर उसके बाद उसको काट कर फाड़ कर तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। अल्लाह ने कहा कि तुम ऐसे न हो जाना। क्या बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। अल्लाह फरमा रहा है
जब तुम इबादत करो तौहीद के रास्ते पर आ जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, फिर उस रास्ते को तुम तबाह मत करो, बर्बाद ना करो, अपने आमाल को जाया ना करो शिरक की वजह से। जिस तरह से एक बूढ़िया सूद के जरिए उन चीज़ों को तैयार करती है और उसके बाद उस सूद को मजबूत बनाने के बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है, इसी तरह से वो आदमी जो तौहीद पर बनता है और तौहीद के बाद शिरक का काम करता है, किसी और के सामने जाता है, झुकता है, नजर नियाज करता है, उनसे औलादे मांगता है, गोया कि इसकी मिसाल उस बूढ़ी औरत की तरह है जो धागा बनाती है और जो सूत बनाती है, उसके बाद उनको टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है, काट कर उधर उड़ा देती है। आई बात समझ नहीं है? उस औरत की मेहनत जाय हुई कि नहीं हुई? इसी तरह से वो शख्स जो इबादत तो अंजाम देता है लेकिन शिरक की वजह से, बिदात की वजह से वह अपने इबादत के धागों को तार तार कर देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाया मत करो। यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत के बाद जो नेकियां तुम्हारे पास जमा हो जाते हैं ना, उसको ज़ाया मत करो। ज़ाया कब होगा? अगर तुम शिरक करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से बयान फरमाया, लेकिन अशरकता लयाबतन अमल। अरे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास नेकियां जमा हो जाएं तो जमा रखिए, उसकी हिफाजत कीजिए। अगर आप शिरक करोगे तो फिर आपकी नेकियां ज़ाया हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिर तो वो हमारा वैसा ही हो जाएगा, उस बूढ़ी की तरह जो धागा तो बनाती है बाद में काट करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। तो नेकियों को करना बहुत बड़ी बात है, नेकियों के काम करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? माशाल्लाह, उसकी इबादत करना। नेकियों का करना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन नेकियों की आप हिफाजत करें। घर में आप दौलत तो लाकर जमा करते हो, पैसे से लाकर रखते हो, लेकिन इससे भी बड़ा काम यह है कि आप उसको तहफ्फुज बख्शें। अच्छा मुझे ये बताओ, टमाटर ला करके कहाँ रखते हो आप? टमाटर लाते हो कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज फुल है तो ले जाकर कहाँ रखते हो? किचन के कहाँ रखते हो? कट्टे पर रखते कि नहीं रखते? क्या कोई ऐसा होशियार है जो 2 किलो टमाटर ला करके तिजोरी में अंदर के खाने में जहाँ वो सब रखा है माल, उसके बाद रखता हो टमाटर? हाँ, उसको क्या कहेंगे आप? बेवकूफ़ कहेंगे, अक्लमंद कहेंगे? अच्छा अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जिस चीज़ को जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखता है, वो अक्लमंद है। टमाटर को किचन के कट्टे पर रख रहा है, होशियार है, शाना है। पैसे, सोना, चांदी तिजोरी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में जहाँ एक छोटा सा खाना बना हुआ है वहाँ ले जाकर रखता है, फिर उसकी चाबी अपने पास रखता है, जोरू को भी नहीं देता। होशियार है कि निशाना है क्या? नहीं होशियार है। लेकिन इससे भी होशियार कौन है? इससे भी होशियार कौन है? जो तौहीद की हिफाजत करता है, क्योंकि तौहीद से बड़ी कीमती शय कोई नहीं है। तौहीद से बड़ी शय कोई चीज़ नहीं। पैसा चोरी हो गया, सोना चोरी होगा, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा सोना जमा करेंगे, लेकिन अगर आपकी तौहीद ज़ाय हो जाए, अगर आपको अकीदा बातिल हो जाए, शैतान अगर आपके अकीदे पर हमला करे, इससे बड़ा खुसरान, इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह ने कहा कि सबसे बड़ा खुसरान है, सबसे बड़ा घाटा है। तो इसकी हिफाजत करना चाहिए, इसकी हिफाजत करना चाहिए। अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करोगे, आपसे बड़ा कंगाल, आपसे बड़ा लाचार, आपसे बड़ा आपसे ज्यादा मजबूर कोई नहीं रहेगा। हज़रत सूरतुल नहल, वक्त तो ज्यादा ही हो रहा है, इंशाअल्लाह मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सूरतुल नहल, अल्लाह तबारक व तआला इसमें एक बड़ी प्यारी बात बयान फरमाता है। हमारी मुश्किलात, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियाँ चाहे जितनी बड़ी हो, आज हर कोई आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है कि नहीं? कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कोई बीमारी को लेकर परेशान, कोई बेटे को लेकर परेशान, कोई बेटी को लेकर परेशान, कोई बीवी को लेकर परेशान, कोई अड़ोस पड़ोस को लेकर परेशान। हर शख्स
किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। लेकिन दोस्तों अल्लाह बयान फरमाता है तुम्हारी परेशानियाँ मेरे रहम के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, कोई मकाम नहीं रखती। इन्नमा अस्कु बस्ती व हुज़्र इलल्लाह, लाओ लाओ अपनी परेशानियाँ मेरे सामने रखो, लाओ लाओ अपनी बीमारियाँ मेरे सामने रखो, लाओ लाओ अपनी मुसीबतें मेरे सामने रखो। मैं इतना बड़ा शक्तिमान हूँ, मैं इतना बड़ा ताकत और इतना बड़ा मैं पावरफुल हूँ। इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदना अन नक़ूल लहु कुन फयकून, अल्लाह फरमाता है सूरह नहल में। बड़ी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी परेशानियां जिसको लेकर तुम सालों से परेशान हो मेरे सामने रखो, ला करके सिद्ध के दिल से तवक्कुल और एतमाद के साथ। मैं अगर कह दूं कौन पलट जा, बन जा, सुधर जा, एक लम्हे में वो चीजें बन जाएंगी, सुधर जाएंगी, संवर जाएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन बीमार थे, ठीक नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चंद लम्हात में उन्हें शिफा दे दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई साल से लावलद थे, एक दुआ किया रब से, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह तू औलाद को देने वाले, एक औलाद दे। अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल की बशारत दी। बूढ़े हो गए हजरत ज़करिया, वश्ताअल रासु शैबा, अल्लाह मेरे सर के बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं, वलमकुम बिदुआइक रब शकिया, लेकिन मैं तेरी ज़ात से मायूस नहीं हूँ, मेरा यकीन है कि तू दुआओं को सुनने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फस्तजबना फस्तजबना लो, हमने उसकी दुआ को सुन लिया। किसकी दुआ को, ज़करिया की दुआ को सुन लिया, और हमने उसे यहया की बशारत दी, कहा जा जा मैं तुझे बेटा दूंगा, उसके उसका उसका नाम रखने की भी मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, उसका नाम भी मैं रखा हुआ हूँ, पैदा भी होगा बेटा, उसका नाम भी यहया होगा। अल्लाह कैसी बात करता है, मेरी एक क्या है इन्नी आजू क्या है जी, वो असलहना लहु ज़ौजा, मेरी अल्लाह से आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीवी पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है, खूसट हो चुकी है, झुक गई झुक गई। क्यों परेशान होता है, तेरी बीवी को सीधा कर देता हूं, झुक गए अल्लाह क्या परेशानी है, मैं सीधा कर देता हूं। अल्लाह ने सीधा भी किया, बेटा भी दिया, नाम भी रखा। इसीलिए मेरे भाइयों हम कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। हजरत यूनुस कहाँ गए, मछली के पेट में गए, कितनी परेशानी, किसी को नहीं मालूम कहाँ गए, किस मुकाम पर, किस जगह पर। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, कोई तेरे अलावा मेरा माबूद नहीं, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, अल्लाह मुझे तू यहाँ से नजात दे। अल्लाह क्या कहता है, लबीथ फी बत्नी इला यौमी बसुर, अगर यूनुस मुझे न पुकारता, अगर यूनुस मेरे सामने हाथ न फैलाता, क़यामत के सुबह तक मैं यूनुस को मछली के पेट में रखता। अल्लाह अकबर। तो क्या बात मालूम होती है, अगर मैं और आप भी अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, अल्लाह की कसम मरते दम तक अल्लाह ने उन्हीं परेशानियों में रखेगा, और उन्हीं परेशानियों में आप मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। एक ही सजेशन है, एक ही हल है, आप अल्लाह के हुजूर पेश करो, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो रब जो इन आसमानों को बगैर सुतून के हमारे सरों पर खड़ा कर सकता है, उसके लिए हमारी ज़िंदगी की मुश्किल क्या माने रखती हैं। वो आयत इसी सूरत में मौजूद है, अल्लाह कहता है कि तुम लाओ अपनी मुसीबतें मेरे सामने रखो, देखो मैं उसको कैसे बदल कर रख देता हूँ। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला उस आयत पर मैं अब आता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ने इस सूरत का नाम सूरतुन नहल रखा है। वो आयत वो इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तो जानवर की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने पेश की है, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्खी की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला जानवरों के बारे में बयान फरमाया, तुम्हारे लिए बिलाशुबा जानवरों में एक बहुत बड़ी इबरत है, बड़ी नसीहत है, हम उन चीज़ों में से जो उनके पेटों में रखे हैं। देखिए जानवर का अल्लाह जिक्र फरमा रहा, जानवर खाता चारा है, लेकिन उस चारे से अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है मैं उसका खून भी तैयार करता हूँ, मैं उसका गोबर भी तैयार करता हूँ, मैं उसका दूध भी तैयार करता हूँ, लेकिन मिन बैनि फरसिन व दमिन लबना, उसके गोबर और उसके खून के दरमियान से मैं दूध की नाली को निकालता हूँ,
लेकिन तुम ये नहीं देखोगे उस दूध के अंदर गोबर की बदबू है या खून की रंगत है। बताओ ऐसा कोई मशीन बना सकता है? ऐसा कोई मशीन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। आदमी चाहे जितनी तरक्की कर ले वो मेरे चैलेंज को पूरा नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस मक्की का जिक्र फरमाया, वहा रब्बुका इला النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون। देखो इस मक्की पर गौर करो, हमने उसे हुक्म दिया ऊंचे मकाम पर अपना घर बनाना, ऊंचे मकाम पर ही अपना घर बनाती है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वो मुख्तलिफ फूलों से रसों को चूस करके लाती है और अपने पीछे के रास्ते से तुम्हारे लिए शहद तैयार करती है। अल्लाह, क्या उसकी मशीनरी है, कैसा अजीब गरीब उसका निज़ाम है। उसी जगह से फजला भी निकलता है, उसी भी जगह से एक ऐसी चीज को अल्लाह निकाह करके इंसानों को मुहैया करता है और कहता है कि मैंने इसके अंदर तुम्हारे लिए शिफा रखा है। मुख्तलिफ फूलों को चूसती है, मुख्तलिफ फूलों को चूसती है और उसकी उन तासीरों को एक जगह जमा फरमाती है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, यकीनन ये सूरत हमारे ईमान को मजबूत करती है, अल्लाह का तआल्लुक कराती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को पढ़ें। आखिरी आयत, बात ख़त्म। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह उस आयत को भी इसी सूरत में रखा है, लोगों मैंने तुम्हें तुम्हारे माओ के पेट से निकाला, देखो कैसे निकाला, ज़रा गौर करो। सिर्फ एक ही आयत काफ़ी अल्लाह को समझने के लिए, एक ही आयत काफ़ी। मेरे भाइयों, एक बोतल हो उसके अंदर कद्दू हो, ये मत देखो कि कद्दू गया कैसे अंदर, अब उसके बारे में गौर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो कि इस कद्दू को बोतल के मुंह से निकालना कैसा है, कितना मुश्किल काम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे लिए काम कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह, वल्लाह खरजकुम, मैंने तुम्हें निकाला तुम्हारे माओ के पेट से, तुम्हारे माँ को मैंने सलामत रखा और मैंने तुमको भी सलामती के साथ निकाला। ला तालमून शैया, जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, तुम कैसे पैदा हुए, कैसे आए, तुम तुम्हारे माँ के पेट में 9 माह कैसे गुजारे तुम्हें मालूम है? बड़ा सा बड़ा साइंसदान, बड़ा सा बड़ा आलिम, बड़ा सा बड़ा तुर्रम खां, आप उसको ये पूछो कि भाई अम्मा के पेट में तू 9 महीने था ना, बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। जरा इन साहिबों से जाकर के पूछो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गैब की बातें करते हैं, ऐसे वैसे भविष्यवाणियां सुनाते हैं, जरा उनसे ये पूछो बाबा 9 महीने में तुम अम्मा के पेट में थे, एक 2 दिन के बारे में तस्करा करो, 2 दिन तुम्हारे कैसे गुजरे? कोई माई का लाल बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? लब रब खुद कहता है ला तालमून शैय, अबे तुझे क्या मालूम, तू क्या जानता, तू कैसे गुजारा? लेकिन फिर मैंने तुझे बहुत होशियार बनाया, वजह सार वफ़ीदा, मैंने तुझे समात दी, मैंने तुझे बसारत दी और मैंने तुझे वो समझ, वो अकल, वो फहम दिया कि तूने उसके बुनियाद पर हवा में उड़ने के तूने मशीनें तैयार कर ली, प्लेन तूने बना लिया। मैंने तुझे जो अकल जो फहम दिया उसकी बुनियाद पर तूने ज़मीन के अंदर रास्ते बना लिए, उसी अकल उसी फहम की बुनियाद पर तूने समंदरों के तह में जा करके हीरे मोते और जवाहिरात निकालने वाला बन गया। तुझे क्या मालूम था जब तू तेरी माँ के पेट से पैदा हुआ था, ये सारे सलाहियतें मैंने तुझे नसीब फरमाई है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद हमें क्या कहना चाहिए? सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हम तुझसे दुआ करते हैं कुरान के अंदर जो हीरे जो जवाहरात जो मोतियाँ तूने रखा है उन चीज़ों को तलाश करके अपनी ईमान को मजबूत बनाने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। वाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा वक्त ज़्यादा हुआ है, हम आपसे माफ़ी के खास्तगार हैं।